हेलो एवरीवन वेलकम टू टॉपर्स वर्ल्ड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर काफ़ी अच्छा बैंड स्कोर कैसे लेकर आएँ यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स मोस्टली कॉन्फिडेंस लैक करते हैं विदाउट कॉन्फिडेंस वो यहाँ पर बैंड नहीं स्कोर कर पाते तो यहाँ पर बेसिकली वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें कि हम स्पीकिंग में आराम से सेवन बैंड स्कोर कर जाएं सो आई आई विल बी गिविंग यू सर्टेन टिप्स इन दिस वीडियो एंड प्लीज़ उन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा एंड uh, खुद फॉलो करके आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा दैट आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो रही है या नहीं इम्प्रूव हो रही सो लेट्स स्टार्ट टू डिस वीडियो तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग इज दैट स्पोकन इंग्लिश कोई क्रैमिंग वाली चीज़ नहीं है इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ स्किल इंग्लिश स्पीकिंग एक स्किल है आज के टाइम पर आप अगर कहें कि इंग्लिश स्पीकिंग आपको कोई पर्टिकुलर सिलेबस पढ़कर आ जाए वैसी चीज नहीं होने वाली इंग्लिश स्पीकिंग इज जस्ट अ स्किल जो आपके टाइम टाइम पर आप जब इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे इट कीप्स ऑन पॉलिशिंग इट तो यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग सबसे पहले एक स्किल है इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर सिलेबस जो आप रट कर चले जाएंगे और आपके अच्छे बैंड स्कोर आ जाएंगे स्टार्ट प्रैक्टाइजिंग इंग्लिश एज मच एज यू कैन ठीक है तो यहाँ पर हम अब टिप्स की बात करते हैं कि जो हमें फॉलो करनी है वाइल गोइंग टू द एग्जामिनर फर्स्ट थिंग इज दैट ट्राई टू मेक अ वेरी गुड इंप्रेशन मतलब कि अपना इम्प्रेशन बहुत अच्छा रखें आपने वहाँ पर वॉक करते हुए जाना है आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने शोल्डर्स को बैक करके अपनी चेस्ट को आगे करके एक अच्छा वॉकिंग पोस्टर लेकर जाएँ ताकि एग्जामिनर को आपको देखकर ही पता लग जाए दैट दिस पर्सन इज़ हैविंग कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ आपके बैठने के तरीके से आपके ग्रीटिंग करने के तरीके से आप जैसे रूम में एंटर कर रहे हैं तो सीधे के मै कमेंट सर गुड मॉर्निंग सर ऐसे करके सो एट दैट टाइम इट रिफ्लेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस तो आप जितना कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर पाए उतना करना है हमको एंड उसके बाद हमने फर्स्ट इंप्रेशन डाल दिया सेकेंड चीज़ एक और जो मैं काफ़ी टाइम मैंने रिकमेंड किया काफ़ी लोगों को एंड दिस ट्रिक आई ऑल्सो अप्लाइड ऑन माई सेल्फ दैट उस आउटफिट को पहन कर जाएँ उन कपड़ों को पहन कर जाएँ जिनमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं बिकॉज एक आउटफिट आपको जितना कॉन्फिडेंट बना दे वो आप सोच भी नहीं सकते हमेशा इस टिप को जरूर अपने आप खुद ट्राई करके देखिएगा तभी आपको पता चलेगा ऑलवेज वेयर दोज क्लोज विच मेक यूर सेल्फ फील कॉन्फिडेंट ओके थर्ड थिंग इज दैट नेवर गिव क्विक आंसर्स ओके थर्ड टिप इज नेवर गिव क्विक आंसर्स कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा है तो क्विकली आंसर करना मत शुरू कर जाइए फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आस्क यू वट आर योर हॉबीज एंड आई जस्ट से माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड माई हॉबीज आर प्लेइंग गेम्स ऐसे आपको रटे रटाए आंसर नहीं देने आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा है आपको एक पॉज लेना है माय हॉबीज आर फॉर एग्जांपल आई लाइक टू प्ले म्यूजिक आई लाइक टू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स आई लाइक टू लिसन नंबर ऑफ काइंड ऑफ म्यूजिक तो इस तरीके से आपको अच्छा एक आंसर देना है ठीक है क्या है कि आपको पॉज लेना है ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आप नेचुरली स्पीक कर रहे हैं कोई रटे रटाए आंसर आपने क्रैम नहीं किए हुए ओके यहाँ पर थर्ड थिंग आपकी ये हो गई कि ऑलवेज स्पीक नेचुरली एंड डोंट गिव क्विक आंसर्स फोर्थ टिप जो आपको यूज़ करनी है दैट इज़ ऑलवेज बी फॉर्मल फॉर्मल वर्ड्स ही आपको यूज़ करने हैं फॉर एग्जाम्पल्स सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई भी उनको क्वेश्चन पूछा गया तो वो स्टार्टिंग में कहेंगे ये वाई ई ए एच वाला ये तो आपको ये ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने बिकॉज दीज आर इन फॉर्मल वर्ड्स कंसिडर्ड इन टू द इंग्लिश आपको ब्रो जैसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने ऑलवेज स्पीक फॉर्मली ठीक है फॉर्मल वर्ड्स आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करने हैं ताकि एग्जामिनर आपको यहां पर अच्छे बैंड स्कोर दे पाए बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ इंटरव्यू इंटरव्यू के अंदर आप कभी भी जाकर इनफॉर्मली बातें नहीं कर सकते सो ऑलवेज बी फॉर्मल फिफ्थ टिप यहां पर आ जाती है दैट काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर उनको क्वेश्चन नहीं समझ आया क्वेश्चन में कोई उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो पूछते ही नहीं एग्जामिनर से ऑलवेज आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन अगर आपको कोई क्वेश्चन कहीं पर नहीं समझ पर आ रहा देन जस्ट से पार्ड एन टू द एग्जामिनर और से दैट प्लीज रिपीट द क्वेश्चन आई कुडेंट अंडरस्टैंड इट ठीक है हमेशा क्लैरिफिकेशन मांग लीजिए बिकॉज ये आपके बैंड स्कोर पर अफेक्ट कर देगा अगर आप गलत समझ कर क्वेश्चन को ओपोजिटली आंसर कर देंगे इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती अगर आप क्वेश्चन दोबारा पूछ लें सो प्लीज़ सीक क्लैरिफिकेशन वेयर एवर दे आर नीडिड यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है दैट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे आंसर देते हैं तो यहाँ पर सिक्स स्टेप यही होने वाली है कि आपको आंसर्स हमेशा अपने बड़े रखने हैं कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर नेम अर्पित ऐसे आंसर नहीं देना ऑलवेज स्पीक दी आंसर इन अ फुल लाइन और थोड़ी बहुत कहानी भी बना ले आंसर के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है डू यू लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स तो काफी सारे लोग यहाँ पर आंसर करेंगे येस आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स बट इसको अगर आप थोड़ा सा मोल्ड कर दें यस आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर वेल बींग इफ वी प्ले स्पोर्ट्स वी कैन प्ले वी कैन कीप आवर सेल्फ हेल्दी इन आवर लाइफ्स एंड वी कैन लिव अ वेरी हेल्दी एंड फिट लाइफ तो यहाँ पर फर्स्ट वाले आंसर से ये सेकेंड वाला आंसर कितना बढ़िया लग रहा है सो आइल्स इज़ नथिंग आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी करनी है प्रेजेंटेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अपने आंसर्स को थोड़ा बड़ा करें आंसर्स को थोड़ा सा अपने अंदर कहानी बनाना सीखें अगर जब आप कहानी बनाना सीख गए आल्स के अंदर यू कैन जस्ट गेट ए वेरी ग्रेट बैंड स्कोर इन आइल्स ओके तो यहाँ पर एक यही टिप है दैट फर्स्ट टिप इज़ आपको फुल आंसर देना है नेक्स्ट टिप भी इसी से निकल गई दैट कहानी बनाना सीखें किसी भी इंसिडेंट को आप काफ़ी अच्छे से नरेट करना अगर सीख लेंगे कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था उसमें थोड़ी सी कहानी डाल दें तो आप काफ़ी अच्छे बैंड ले जाएंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कोई क्यू कार्ड है डिस्क्राइब एन इंसिडेंट वेन यू हैड टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ओके इसका मतलब है कि आपको बहुत लंबे टाइम के लिए वेट करना पड़ा तो यहाँ पर इसी के आगे जो बुलेट पॉइंट्स हैं फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज वेन वॉज इट तो आप इस सिचुएशन का एक तो सिंपल आंसर दे सकते हैं इट वॉज टू ईयर्स बैक इट वॉज थ्री ईयर्स बैक ठीक है जस्ट एक तो सिंपल लाइन वाला आंसर हो गया तो आप इसी आंसर को मोल्ड करके थोड़ा अच्छा भी कर सकते हैं सो आई डू नॉट लाइक टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट देर आर सर्टेन सिचुएशन वेन आई हैव टू वेट सो बेसिकली दिस सिचुएशन अकर् टू मी पास्ट वन ईयर गो एंड स्टिल अकर्स टू मी सो दिस सिचुएशन वॉज वन माई फ्रेंड मेड मी वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो यहाँ पर इसको अगर आप देखेंगे फर्स्ट सिचुएशन को और सेकेंड सिचुएशन को इसमें आ जाता है डिफरेंस कहानी बनाकर अगर आप कवर करेंगे बुलेट पॉइंट्स को तो आपके डेढ़ मिनट से दो मिनट बहुत आराम से निकल जाएंगे बट इफ़ यू विल बी ओनली डायरेक्टली आंसरिंग द क्वेश्चन देन आप काफ़ी अच्छा बैंड स्कोर यहाँ पर नहीं ला सकते स्पीकिंग के अंदर आपको अपनी बात को काफ़ी घुमा फिरा के अच्छे तरीके से रखना आना चाहिए इसके अंदर सो फोकस ऑन रीडिंग अलॉट ऑफ क्यू कार्ड्स जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्यू कार्ड्स रीड करेंगे आपको काफ़ी अच्छे से पता लग जाएगा दैट कौन सा आइडिया कहाँ पर आ सकता है दी ओनली थिंग इज टू बिल्ड मोर एंड मोर आइडियाज़ जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ आ जाएंगे देन यू कैन गेट अ वेरी ग्रेट बैंड स्कोर बिकॉज आप कोई भी आइडिया जहाँ पर भी नीडेड है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं सो फोकस ऑन बिल्डिंग अ लॉट ऑफ आइडियाज इन स्पीकिंग मॉड्यूल बहुत सारे स्टूडेंट्स एक और बड़ी मिस्टेक कर देते हैं दैट जहाँ पर भी उनसे एक आधी गलती हो जाए स्पीकिंग के अंदर दे जस्ट स्टार्ट फंबलिंग ओवर देयर फंबल कर जाते हैं चुप कर जाते हैं काफ़ी लंबा पॉज ले लेते हैं तो उस चीज़ को अवॉइड करना है बिकॉज मिस्टेक्स आर ओके ये आप देखेंगे तो नेटिव इंग्लिश स्पीकर भी हैं जो वो भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं हमारे जैसे लोग जो थोड़े बहुत अच्छे हैं इंग्लिश के अंदर अल्स एग्जामिनर्स हैं अल्स ट्रेनर्स हैं वो भी बहुत मिस्टेक्स करते हैं आप किसी को भी देख लेंगे बड़े से बड़े इंग्लिश प्रोफेसर को भी देख लेंगे समटाइम्स दे ऑल्सो डू मिस्टेक्स इन टू इंग्लिश इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज जिसको आप सीख सकते हैं यहाँ पर हर कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकता वी कैन ओनली लर्न द लैंग्वेज एंड वी कैन ओनली प्रैक्टाइज द लैंग्वेज ओके तो यहाँ पर मिस्टेक्स ओके हैं मिस्टेक अगर आपसे कहीं पर भी हो जाए तो आपको उस मिस्टेक पर अड़ नहीं जाना मिस्टेक को ओवरकम करके आगे निकलना है विद कॉन्फिडेंस बिकॉज चेक करता है एग्जामिनर कि मिस्टेक करके आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ उसे ओवरकम करते हैं सो बी वेरी मच कॉन्फिडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन यहाँ पर लास्ट डेप आ जाती है दैट वो कैबलरी वोकैबलरी वोकैबलरी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं वोकेबलरी के अगर आप सिंपल इंग्लिश बोलते हैं विद अ ग्रेट फ्लू इन ग्रामर अ ग्रेट फ्लू इन ऑल ऑफ़ द इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा बैंड स्कोर मिलने वाला है इट इज़ नॉट द थिंग कि आपको यहाँ पर सारी डिक्शनरी uh, रट कर जानी पड़ेगी कि इस वर्ड का क्या सिनोनिम है इस वर्ड का क्या सिनोनिम है जो सिंपल वर्ड्स हैं आप उन्हें सिंपली भी कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक वर्ड आता है अ लॉट ऑफ टाइम्स तो यहाँ पर उसे प्लेथोरा भी कह देते हैं तो आप अगर लॉट ऑफ टाइम्स भी कह देंगे विद अ ग्रेट फ्लो इन इंग्लिश तो आपको अच्छे बैंड ही मिलने वाले हैं मोर ओवर क्या करते हैं कई स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक सेंटेंस बताता हूँ आई यूजअली मीट माई रिलेटिव वेन एवर आई गो टू दिल्ली ठीक है मैं यूजअली अपने रिलेटिव्स को मिलता हूँ जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ यहाँ पर क्या करेंगे जो वो वाले स्टूडेंट्स हैं आई यूजली मीट माई किथ्थ एंड किन्स वैन आई गो टू दिल्ली यहाँ पर किथ एंड किन्स कोई बहुत ज़्यादा सूट नहीं कर रहा इट इज़ अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल वर्ड दैट इज़ जिसको धक्के से यहाँ पर फिट किया जा रहा है तो उन्ही वर्ड्स को यूज़ करें जो आपको अच्छे लगें बिकॉज दी ऑनली मैटर इज़ कि एग्जामिनर आपसे कुछ वैसा सुनना चाहता है जो उसे नेचुरल लगे ऑर्गेनिक लगे ऐसा नहीं कि आप परेटेरेटाई वर्ड्स ले जाए ऐसे ही एक स्टूडेंट की बात थी क्या हुआ कि आई वॉज़ जस्ट टेकिंग स्पीकिंग एंड उन्होंने बात करनी थी अपने ग्रैंडफादर के बारे में एंड ही यूज अ सिनोनियम दैट इज़ एंटीक एंटीक फॉर हिज ग्रैंडफादर माय ग्रैंडफादर इज़ वेरी एंटीक मैंने उनसे पूछा दैट वाई आर यू यूजिंग एंटीक हियर ही सेड दैट इसका सिनोनियम ओल्ड होता है तो सिनोनियम्स भी कई जगह पर यूज़ होते हैं दैट इज़ नॉट द थिंग कि कोई भी सिनोनियम कहीं पर भी यूज़ हो जाता है ओके okay? तो देखकर किसी भी वर्ड का यूज़ करें ऐसा नहीं कि आप बहुत फैंसी फैंसी वर्ड्स डालाएं स्पीकिंग के अंदर एंड एट द एंड आपकी ग्रामर कुछ नहीं थी आपका फ्लो कुछ नहीं था उस टाइम पर आपको कोई स्कोर नहीं मिलने वाला सो प्लीज़ कीप दिस स्टिप इन योर माइंड ऑलवेज़ सो थैंक यू एवरीवन दिस वॉज द होल वीडियो रिगार्डिंग स्पीकिंग मॉड्यूल आप चैनल के ऊपर और भी वीडियोज़ को विजिट कर सकते हैं दैट आर बेस्ड ऑन स्पीकिंग राइटिंग लिसनिंग रीडिंग तो प्लीज चैनल को ज़्यादा चेकआउट भी कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स